हेलो एवरीवन, आई एम नेहा यादव फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल. दिस इज चैप्टर 4 फॉर द क्लास 8. द नेम ऑफ द चैप्टर इज विपिन चौधरीज लेफ्ट ऑफ मेमोरी. इसमें विपिन चौधरी कैरेक्टर का नाम है और उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो कुछ पार्ट अपनी मेमोरी को खो चुके हैं और वो रांची गए थे लेकिन उनको ये चीज़ याद नहीं है कि वो रांची कब गए थे. तो काफ़ी सारे इसमें ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो इन चीज़ों को बिल्कुल पक्का कर देते हैं कि वो अपनी मेमोरी का कुछ पार्ट लैप्स कर चुके हैं और लास्ट में एक अलग ही मोड़ आपको कहानी में मिलेगा. ये थ्रिलर स्टोरी है आपके लिए. और लेट्स स्टार्ट द पार्ट फर्स्ट. हर मंडे को विपिन चौधरी जो थे वो अपने काम से आते टाइम पे न्यू मार्केट की कालीचरण की दुकान पे रुका करते थे और वहाँ पर वो बुक्स खरीदा करते थे. उनको भूतों की कहानियाँ और थ्रिलर स्टोरीज और जो कि रोमांच पैदा करती हैं बहुत ज़्यादा स्टोरी में मज़ा देने वाली होती है, उनको कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था. साउथ की स्टोरीज वो बहुत पढ़ते थे और कम से कम 5 किताबें खरीदते थे जिसकी वजह से उनका पूरा एक सप्ताह चल जाता था. और वो अकेला रहता था और बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं था, मतलब कि कोई किसी से बात नहीं करते थे, उनका कोई दोस्त भी नहीं था और उनको अपनी बातें किसी के साथ बताना भी पसंद नहीं था, ना किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे. और कालीचरण की दुकान पर आज वो एक खड़े हुए थे किताबें खरीदने के लिए, तो उनको ऐसा लगा कि कोई पीछे से उनको देख रहा है. तो जैसे ही वो पीछे मुड़े तो एक स्माइलिंग फेस के साथ एक आदमी वहाँ पे खड़े हुए थे. तो उन्होंने पूछा, क्या मैं आपको जानता हूँ? तो वो जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ. उन्होंने कहा कि हम रोज़ तो मिलते हैं, 1958 में जब आप रांची गए थे तो पूरी की पूरी कार व्यवस्था वगैरह मैंने की थी, मेरा नाम परिमल घोष है. तो विपिन चौधरी ने ये सोचा कि शायद इनको कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि मैं इनको नहीं जानता हूँ, ये मुझे कोई और आदमी समझ रहे हैं. लेकिन विपिन बाबू ने कहा कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि मैं रांची गया हूँ. तो जो दूसरा आदमी था वो बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम तो वहाँ पर कई बार मिले हैं. वो अपने मुंह के नीचे अपने दांतों के तले उंगलियाँ दबा रहे थे और वो बोल रहे थे कि क्या आप मुझे सच में जानते? तो वो बोल रहा है कि विपिन बाबू को कौन नहीं जानता, मैं आपको जानता हूँ. और वो सोच रहे थे अभी भी कि ये इंसान गलती कर रहे हैं क्योंकि वो मैं नहीं हूँ जिन्हें ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं. और वो आदमी बहुत ज़ोर से हंसने लगा. फिर वो जो आदमी था वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा. उसके बाद बोला कि चौधरी साहब, आप मजाक कर रहे हैं क्या? क्या आप उडरू नहीं गए थे? वहाँ पर आप गिर गए थे, आपके दाहिने घुटने में बहुत ज़्यादा कट लग गया था और मैंने आपको आयोडीन ला के दिया था और उसके बाद मैंने आपको रहने की व्यवस्था की थी, कार की व्यवस्था की थी. दिनेश मुखर्जी के यहाँ पर आप रहे थे क्योंकि आपने कहा था कि आपको बाहर का खाना पसंद नहीं है, बाहर रहना पसंद नहीं है, तो आप उनके बंगले में ठहरे थे. कि आपको कुछ भी याद नहीं है? और आपने वहाँ पर रहकर काफ़ी सारी जगहों के बारे में मैंने आपको बताया था, दिखाया था, और क्या मैं ठीक नहीं हूँ? तो विपिन बाबू ने काफ़ी शांत भाव से बोला कि अभी उसकी नज़रें जो हैं वो किताबों के ऊपर थी. 1958 में किस महीने की बात कर रहे हैं? उन्होंने पूछा, कौन से महीने में मैं वहाँ पे गया था? तो उन्होंने बताया दूसरे इंसान ने, अक्टूबर. परिमल घोष ने बोला, अक्टूबर. श्रीमान जी, विपिन बाबू ने कहा, 1958 में मैंने अपने एक मित्र के साथ कानपुर में अपना समय पूजा में बिताया था और आपको कोई गलती हुई है, शुभ दिन. मतलब कि आपका अच्छा दिन रहे और आप जाइए क्योंकि आपको कोई गलती हुई है, मैं तो कभी गया ही नहीं. लेकिन वह आदमी ना गया, ना तो गया, ना ही उसने बोलना बंद किया. बड़ी अजीब बात है. एक शाम मैंने आपके बंगले के बरामदे में आपके साथ चाय पी थी, आपने अपने परिवार के बारे में बताया था, आपने कहा था कि आपको कोई बच्चा नहीं है, यह भी कहा था कि आपकी पत्नी को 10 वर्ष पहले खो दिया था, आपका एकमात्र भाई जो था वो पागल होकर मर गया, इसी कारण मैं आपको रांची में पागलखाना देखने नहीं जाना चाहते थे. जब विपिन बाबू ने किताबों का भुगतान कर दिया, मतलब कि किताबों के पैसे दे दिए, तो दुकान छोड़कर जब जा रहे थे तो वह आदमी अब भी अत्यधिक अविश्वास के साथ उनकी ओर देख रहा था. विपिन बाबू जो थे, जब वो वहां से आए और देखने लगे तो वो सोचने लगे कि क्या सच में वो अपनी याददाश्त को खो चुके हैं, क्योंकि 6 साल पहले की बात है और 6 साल पहले ये घटना हुई है, तो इतनी जल्दी कोई इतनी बड़ी बात को कैसे भूल सकता है. तो उनका सर चकराने लगा, वो बहुत सोचने लगे. तो वो अपने आप को बोल रहे हैं, क्या वो पागल हो रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वे हर रोज़ अपने काम पे जाते हैं, काम करते हैं और अपना सारा काम जिम्मेदारी से करते हैं, कोई भी उनकी गलती नहीं होती, कोई भी उनको ये नहीं बोलता कि आपने कोई गलती की है. तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपनी दिमाग की संतुलन खो चुके हैं और अपनी मेमोरी खो चुके हैं? ये सारी बातें उनको बहुत परेशान कर रही. फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना दिनेश मुखर्जी से ही पूछ लिया जाए. दिनेश मुखर्जी जो थे उनके दोस्त थे और
ऐसा जो कि रांची वाली स्टोरी में बताया गया कि उनके घर पर रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना दिनेश मुखर्जी से पूछ लिया जाए कि क्या वो रांची गए थे या नहीं गए थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैंने उनसे पूछा तो वो सोचेंगे कि मैं पागल हो गई हूँ, मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ और वो मुझ पर बहुत ज्यादा टॉन्ट मारेंगे और हंसेंगे। लेकिन काफी सारा अपने आप से विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने उनको फोन घुमा ही दिया, और फोन घुमाने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम अपनी डायरी मेंटेन करते हो क्या, तुम मुझे बता सकते हो कि जो 58 की कुछ घटनाएं थी, हम कहां पर गए थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अपनी डायरी खोलकर देखता हूं और फिर तुमको बताता हूं। तो उन्होंने बताया कि पहले तो हम गए थे शादी में कृष्णनगर, और उसके बाद हम गए थे रांची, आप भी तो थे वहां पे, ये सब है, लेकिन इस छानबीन का क्या मामला है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों पूछ रहे हो ये सब चीज़ें। नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही जानना चाहता था, ये कहा मिस्टर चौधरी ने। विपिन चौधरी जो थे, विपिन बाबू जो थे, उन्होंने अपना जो फ़ोन था वो पटक दिया और हाथों को सर से पकड़ने लगे, मतलब सिर को पकड़ लिया अपने हाथों से और अपने आप को, अपने सर को चकराता हुआ देख रहे थे। कैसे हो सकता है, पूरे बॉडी में उनकी कपकपी फैल गई और टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे लेकिन उन्होंने वो भी नहीं खाए, उनकी भूख भी मर चुकी थी। बाकी आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे, ये आपके दो पार्ट में आपको रीड करा चुकी हूँ। इन दो पार्ट्स में यह है, विपिन चौधरी जो थे वो किसी से मतलब नहीं रखते थे, वो किताबें पढ़ते थे, थ्रिलर स्टोरीज पढ़ते थे, भूतों की स्टोरीज पढ़ते थे। एक दिन वो किताबें खरीद रहे थे तो पीछे से एक आदमी आकर उनको बोला स्माइलिंग फेस के साथ कि आप कैसे हो, आप मुझे वहां पर मिले थे, रांची गए थे, मैंने सारी व्यवस्था की थी। लेकिन विपिन चौधरी को ये याद ही नहीं कि वो कब गए थे, वहां पर कब गए थे। उनके पार्ट से, उनके माइंड से जो रांची वाला पार्ट था वो डिलीट हो चुका था, उनकी मेमोरी से वो डिलीट हो चुका था। तो वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गए कि किस तरीके से वो भूल सकते, क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। तो उनका एक फ्रेंड था दिनेश मुखर्जी, उससे जाके उन्होंने पूछने का चाहा, लेकिन वो नहीं भी चाहते थे कि नहीं पूछे उनसे, क्योंकि वो ये ना सोचने लगे कि वो पागल हो गए हैं इस वजह से। लेकिन फिर बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ तुम मेरे साथ रांची गए थे। तो आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। हैव अ गुड डे क्लास, टिल देन कीप रिवाइजिंग।